अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सभी फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार लग रहे हैं, तो आप भी ये फ्राइज़ ज़रूर बनाएं, यकीनन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी फ्राइज़ के लिए मैंने यहाँ लिए हैं आलू, जिसे मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और अब मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और अब मैं यहाँ ऐड करूँगी कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। हमें इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि आलू जो है पानी छोड़ देंगे, तो हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। तो अब सभी मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी इसमें अच्छी तरह। मसाले अब मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बेसन, और अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं, तो आप चावल का आटा इसमें ज़रूर ऐड करें। और अब मैं यहाँ एक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब मैं फ्राइज़ को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो ऑयल अब यहाँ गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राइज़ ऐड कर लूँगी। यहाँ अब मैं सभी फ्राइज ऐड कर चुकी हूँ, तो मुझे इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह ही कुक होने देंगे, और इसे हमें फुल फ्राई नहीं करना है, इसे हाफ ही फ्राई करना है, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप ये जब भी बनाया करें फ्राइज़, अगर आपको क्रिस्पी फ्राइज़ पसंद है, तो आप इसी तरह किया करें। पहले उसे हाफ फ्राई करके उसे निकाल लिया करें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप उसे दोबारा फ्राई किया करें। उससे ये फ्राइज़ बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर ये फ्राइज़ की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल पे मैंने और भी बहुत सी फ्राइज़ की रेसिपी शेयर की है, तो यकीनन वो सभी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप अगर डिफरेंट टाइप्स के फ्राइज बनाना चाहते हैं, तो आप मेरी वो रेसिपीज भी देखकर उसे ट्राई कर सकते हैं। सभी फ्राइज बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही टेस्टी है, जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो अब मैं इन्हें हाफ फ्राई होने तक पकने दूंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्राइज को पकते हुए। तो अब ये देख सकते हैं आप, थोड़े से ये फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे मजीद 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पकने दूंगी। फ्राइज अब हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये फ्राइज अभी हाफ फ्राई ही हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार लग रहे हैं। तो आप ये जरूर बनाएं, आपकी फैमिली में सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। तो फ्राइज अब यहाँ रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब मैं इन्हें दोबारा से फ्राई कर लूंगी, और ऑयल भी अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राइज ऐड कर लूंगी, और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक मैं इन्हें पकने दूंगी। तो फ्राइज बनाने का ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका था। आप इससे इजीली फ्राइज बना सकते हैं। आप इन्हें हाफ फ्राई करके इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। आप फिर जब चाहें इन्हें दोबारा फ्राई कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह फ्राइज बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब मैं इन्हें गोल्डन होने तक पकने दूंगी। तो फ्राइज अब आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं, और ये दिखने में ही बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूंगी। तो मसालेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज अब बिल्कुल तैयार हैं, और मैंने सर्व कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं फ्राइज दिखने में ही बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहे हैं, और ये बहुत ही इजी रेसिपी थी। आप इसे इजीली बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।